CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की महान विभूतियाँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है ये कार्यक्रम आदि शंकराचार्य, एक महान संत। बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान संत एवं धर्म प्रवर्तक आदि शंकराचार्य की। उनके कार्यों के लिए भारतवर्ष सदा उनका आभारी रहेगा। आदि शंकराचार्य, इनका जन्म केरल के कालड़ी गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया, लेकिन बालक शंकर इस विपदा में भी मुरझाए नहीं, बल्कि कष्ट ने उन्हें और तराशा और वे और भी निखर कर जीवन में आगे बढ़े। शंकर बचपन से ही बहुत मेधावी और प्रतिभाशाली थे। वे बचपन से ही संन्यास लेना चाहते थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपनी मां से बहुत हट किया और अंततः आचार्य गोविंद भगवतपाद के शिष्य बनकर सन्यासी बन गए। इसके बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। जब ये बद्रिका आश्रम पहुंचे तो वहां इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। तब ये मात्र 16 वर्ष के थे। बच्चों, उन दिनों भारतवर्ष में समाज अलग अलग विचारधाराओं में बंट रहा था। शंकराचार्य ने इन सब को एक करने का प्रयास किया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनका एक प्रमुख कार्य था भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना। आज के युग में भी ये मठ उतने ही प्रसिद्ध हैं और आज भी ये उतने ही पवित्र माने जाते हैं। मठ का अर्थ आप समझते हैं ना? मठ ये ऐसे संस्थान होते हैं जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा इत्यादि प्रदान करता है और धर्म या नीति शास्त्र पर उपदेश देता है। मठों के गुरु प्रायः धर्म गुरु होते हैं और दी गई शिक्षा मुख्य रूप से आध्यात्मिक होती है। परंतु इसके साथ ही एक मठ में सामाजिक सेवा, साहित्य इत्यादि से संबंधित कार्य भी होते हैं। आदि शंकराचार्य ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 मठों की स्थापना की और शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ाया। भारतवर्ष में उन दिनों बहुत सी कुरीतियां प्रचलित थीं, जैसे ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत और सती प्रथा आदि। इन कुरीतियों को दूर करने में आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा हाथ था। आदि शंकराचार्य ने सबके प्रति समानता और एकता का भाव रखने पर जोर दिया। इन्होंने समझाया कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का निवास है और इसलिए सब समान हैं। भारत की 4 दिशाओं में स्थापित 4 धार्मिक मठों की स्थापना यही भाव दर्शाती है। ये 4 मठ हैं, उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रिका आश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ और पूर्व में ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। ये 4 मठ आज भी भारत की आत्मा की एकता को दर्शाते हैं। आज शंकराचार्य एक पद की तरह स्थापित है। इसका मतलब यह है
कि शंकराचार्य ने जिन चार मठों की स्थापना की उन पर आसीन सन्यासी भी शंकराचार्य ही कहलाए जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने कई उपनिषदों पर भाष्य लिखा जिसे हम विवरण कह सकते हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय आदि। उन्होंने चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में लिखे हुए ज्ञान की चर्चा पूरे भारतवर्ष में की। शंकर शास्त्रों के अध्ययन में तर्क, प्रमाण और अनुभव को बहुत महत्व देते थे। उनके अनुसार यही ज्ञान पाने का सही तरीका है। वे अपने हर उपदेश या शिक्षा को प्रमाण सहित कहते थे। आदि शंकराचार्य ने भारत के दक्षिणी छोर से लेकर उत्तर में कश्मीर तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए यात्राएं की और सबको प्रेम तथा एकता का मंत्र दिया। इन्होंने कई धर्म गुरुओं और विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। उनका जीवन स्वयं में एक उदाहरण है जो पराजय से हार न मानकर फिर से परिश्रम करने का संदेश नवयुवकों को देता है। एक बार दरभंगा में जाकर उन्होंने एक महान विद्वान मंडन मिश्र से भी शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र, जिनका नाम संस्कृत ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है, श्री मंडन मिश्र को पराजित करने के बाद आदि शंकराचार्य ने उन्हें वेदांत की दीक्षा भी दी। विद्वान लोगों की श्रृंखला में मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती भी थीं। आदि शंकराचार्य ने उनसे भी शास्त्रार्थ किया जिसमें वे स्वयं पराजित हुए। आदि शंकराचार्य इस पराजय से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पुनः अध्ययन किया। पूरी तरह पारंगत होने के बाद उन्होंने दोबारा विदुषी उभय भारती से शास्त्रार्थ किया और इस बार उन्हें विजय प्राप्त हुई। इस तरह वे हमें पराजय से निराश न होने की प्रेरणा देते हुए निरंतर संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शंकराचार्य के भाष्यों में सरलता के साथ साथ सटीकता भी थी। उन्होंने अपने कई भाष्यों में उपनिषदों की तरह प्रश्नोत्तर की विधि अपनाई है। आदि शंकराचार्य की एक विख्यात कृति है विवेक चूड़ामणि। इसमें 581 पद हैं जो बताते हैं कि एक विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका कहना था, तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। वे कहते थे, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है, सत्य जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। आदि शंकराचार्य भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ठीक नहीं है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक। सभी सुखी होने चाहिए और सबका ही हित होना चाहिए, क्योंकि आत्मा हर जीव में एक ही है। इसलिए उनके ये विचार मंत्र की तरह मान्य हैं। आदि शंकराचार्य ने संस्कृत साहित्य में इतना कार्य किया कि एक बार में बताना भी कठिन है। उन्होंने इतनी छोटी सी आयु में इतना साहित्य दिया कि हम अचंभित हो उठते हैं। वे मात्र 32 वर्ष के थे जब केदारनाथ धाम में
इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और दिवंगत हो गए। सारे देश में शंकराचार्य को सम्मान सहित आदि गुरु के नाम से पुकारा जाता है। इनका जीवन काल चाहे छोटा था, पर देश को मानवता, एकता और समानता का संदेश जो इन्होंने जीवन भर दिया, वो आज भी हम सबके दिलों में जीवित है। आदि शंकराचार्य, एक महान संत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख सुधापुरी, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।